नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 10 Pro वर्सेस Xiaomi Poco X3 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में 6.48 इंच जबकि Poco X3 में 6.51 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में 3 इंच जबकि Poco X3 में 3 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Redmi Note 10 Pro में 0.32 इंच जबकि Poco X3 में 0.4 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Redmi Note 10 Pro से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi Note 10 Pro में 192 ग्राम जबकि Poco X3 में 225 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Redmi Note 10 Pro से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में Super AMOLED जबकि Poco X3 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi Note 10 Pro में 85.8% जबकि Poco X3 में 85.16% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 395 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi Note 10 Pro में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Poco X3 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Redmi Note 10 Pro में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Poco X3 की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Redmi Note 10 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Poco X3 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 8 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही Adreno 618 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही Qualcomm Snapdragon 732G मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi Note 10 Pro में 6GB जबकि Poco X3 में 8GB मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Redmi Note 10 Pro में 64GB जबकि Poco X3 में 128GB मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में Android V11 जबकि Poco X3 में Android V10 क्यू देखने को मिलती है। बैटरी Redmi Note 10 Pro में 5020 mAh जबकि Poco X3 में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में 3 कलर्स जबकि Poco X3 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi Note 10 Pro की ₹17,857 जबकि Poco X3 की ₹18,999 प्राइस है, जो कि Redmi Note 10 Pro से ज्यादा है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Xiaomi Redmi Note 10 Pro में 4 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Poco X3 की तो उसमें 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है।
फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Redmi Note 10 Pro आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में Poco X3 आगे है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। इंटरनल मेमोरी में Poco X3 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 है जो कि 12,499 रुपए में मिलता है। दूसरा Realme 7 Pro है जो कि 17,599 रुपए में मिलता है। तीसरा Realme 8 है जो कि 13,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 8 Pro है जो कि 17,999 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।